हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमने जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली ये मेरा लिस्ट में नहीं था, ये स्टूडेंट का रिक्वेस्ट से हम बना रही हूँ। आज हम कोई डेमो नहीं दिखाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जस्ट इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोड्यूस होगा। फ्रेंड्स, हमने जो इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाने जा रही हूँ, ये सिर्फ MBBS और BDS को सेकेंड ईयर का ही सिलेबस है। ओके, अब एक एक करके हम ये इंस्ट्रूमेंट को देख रही हूँ। ये जो है, ये है ECG मशीन, जिसको फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसको साथ ये है लिम्ब लीड्स, ये है चेस्ट लीड्स, ये है केबल। उसको बाद ये है वाइटलोग्राफ, जिसको स्टूडेंट स्पैरोमीटर भी कहा जाता है। उसको बाद ये है स्टेथोग्राफ, ये है काइमोग्राफ, ये ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर में स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर ज़रूरत पड़ता है। इसको बाद आ रहा है हीमाटोलॉजी पार्ट, उसमें ये लैंसेट कॉमन है, टूथपिक ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए, कैविटी स्लाइड, प्लेन स्लाइड, वॉच ग्लास और ड्रॉपर, ये ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए। उसको बाद ये ब्लीडिंग टाइम के लिए है फिल्टर पेपर, ये क्लॉटिंग टाइम के लिए है कैपिलरी ट्यूब। PCB ये सब के लिए हमको टूर्निकेट चाहिए, सीरिंज चाहिए और भावेल चाहिए। उसको साथ हमको ये विंट्रॉप्स ट्यूब विथ स्टैंड, ओस्टरग्रीन पिपेट विथ स्टैंड। तो ये जो पिपेट, ओस्टरग्रीन पिपेट फिलअप के लिए हमको पिपेट पम्प चाहिए, और विंट्रॉप्स ट्यूब के लिए हमको पास्टोर पिपेट चाहिए, जो ये बॉक्स में है, वो बाद में हम डिटेल्स दिखाएंगे। इसके बाद आ रहा है हीमाटोलॉजी में, आपको ये हीमोसाइटोमीटर है, ये हीमोग्लोबिनोमीटर है और ये माइक्रोस्कोप है। इसको बाद सॉल्यूशन में आ रहा है हमको, ये N/10 HCl हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, ये स्टेनिंग के लिए चाहिए, ये लिस्मन स्टेन, ये RBC फ्लूइड है, जिसको हम हेम्स फ्लूइड भी बोलती हूँ। उसको बाद ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए हमको ये नॉर्मल स्लाइन, और WBC के लिए है ये WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जो टास्क फ्लूइड बोलता है। उसमें ये कॉमन चीज़ है कॉटन और स्पिरिट। ब्लड ग्रुप के लिए हमको चाहिए ये हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए डिस्टिल्ड वाटर, और ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए ये एंटीसीरा। और ये जो है, ये है नोज पीस, जो हमारा स्टेथोग्राफी में यूज़ होता है, सॉरी स्टेथोग्राफी नहीं, वाइटलोग्राफ में यूज़ होता है वाइटल कैपेसिटी के लिए। और ये जो है, ये है ECG जेल, जब ECG का टेस्ट होता है उसी टाइम ये जेल यूज़ होता है। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ओके फ्रेंड्स, हमने एक एक करके क्लियर करेंगे। फर्स्ट हीमाटोलॉजी पार्ट देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का पार्ट देखेंगे। तो हीमाटोलॉजी में फर्स्ट क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिनोमीटर, ये सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर। इसको अंदर क्या क्या है, ये है माउथ पीस और ये है सैलिस पिपेट। इसको बाद आ रहा है ड्रॉपर, ग्रेजुएटेड ट्यूब बा एडम्स ट्यूब बा सैलिस ट्यूब भी लिख सकता है। एक्चुअली एडम्स ट्यूब इसलिए बोल रहा है, एक एडम्स साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसलिए एडम्स ट्यूब। ये है स्टेरर, यही N/10 HCl, ये छोटा बॉटल में है। और इसको बाद आ रहा है ये कंपैरेटर। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, फर्स्ट हमको ये एक साइड परसेंटेज है और एक साइड ग्राम परसेंट है। फर्स्ट 20% और 3 ग्राम परसेंट, इसको N/10 HCl फर्स्ट फिलअप करके इसको रखना है। उसको बाद सब्जेक्ट हो, पेशेंट हो, उसको ब्लड सॉक करना है, ये 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड सॉक करना है। और ये जो टिप में जो एक्स्ट्रा ब्लड रहेगा, उसको तुरंत साफ करना है। अगर वो साफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा N/10 HCl का फंक्शन ही है RBC को ब्लस्ट करना, जितना RBC इसमें ऐड होगा उसी का रिजल्ट ही इसको निकाल देगा। RBC ब्लस्ट करने के बाद वो हीमोग्लोबिन रिलीज कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको पिपेटिंग थोड़ा केयरफुली करना, ये है प्रिकॉशन। ये लेने के बाद 20 माइक्रोलीटर लेने के बाद इसको ट्रांसफ़र करना है N/10 HCl में रखना है। उसके बाद 10 मिनट वेट करना है वो फॉर्मेशन के लिए। 10 मिनट के बाद क्या करना है, 10 मिनट के बाद यही ड्रॉपर से डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करना है और इस स्टेरर से मिक्स करना है, तब तक जब तक ये कंपैरेटर का ये जो कलर है, ये कलर मैच नहीं होगा कल, क्योंकि बीच वाला जो आएगा ये डार्क ब्राउन कलर आएगा। तो इसीलिए ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर कलर मैचिंग के लिए। जब ये कलर मैच हो जाएगा, तो उसी टाइम इसको निकल के इसको रिजल्ट देखना है। तो इसको रिजल्ट कैसे देखना है, ये 10, 11, 12, तो ये 10 और 11 का बीच में छोटा छोटा मार्क दिया हुआ है, वो 2-2 करके डिवीजन किया।
तो 10.2 ग्राम परसेंट, 10.4, 10.6, 10.8 और 11 ग्राम परसेंट जो भी आएगा, जहाँ तक आएगा वो लोअर मेनिस्कस में आएगा, सॉल्यूशन कलर सॉल्यूशन लोअर मेनिस्कस में ही आता है, ठीक है, तो उतना तक इसको रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अभी क्लियर है। इसके बाद हम दिखाएंगे हीमोसाइटोमीटर। अभी हमने देखेंगे हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर में क्या क्या है, हीमोसाइटोमीटर के लिए हमको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट चाहिए वॉच ग्लास, उसके बाद न्यूवर्स काउंटिंग चेम्बर, WBC पिपेट, RBC पिपेट, उसको साथ है फ्लूइड। ये RBC फ्लूइड है जिसको हेम्स फ्लूइड कहा जाता है, ये WBC फ्लूइड है जिसको टाक्स फ्लूइड कहा जाता है। इसका कॉम्बिनेशन हमने वीडियो में छोड़ दिया, उसमें डिटेल सब देख लीजिए, ठीक है। उसको बाद आ रहा है, फर्स्ट हमने क्या करना है, हमको सब्जेक्ट हो पेशेंट हो उसको फर्स्ट हमको 0.5 तक ब्लड ड्रॉ करना है, उसको बाद हमको फ्लूइड सॉक करना है। तो फ्लूइड सॉक हम कैसे करेंगे, थोड़ा प्रिकॉशन है। फर्स्ट 45 डिग्री एंगल में इसको फ्लूइड सक करना शुरू करना है, उसको बाद धीरे धीरे इसको 90 डिग्री एंगल में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हम जब फ्लूइड सक कर रही हूँ उसी टाइम अगर डायरेक्ट हम ऐसे सक करना शुरू कर देंगे तो ब्लड जो है वो तुरंत निकल जाएगा, इसलिए 45 डिग्री एंगल में इसको सेट करना है। और धीरे धीरे 90 डिग्री एंगल क्यों लेना है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल में ही अगर हम सक कंटिन्यू करेंगे तो ये बल्ब पूरा फिलअप नहीं होगा, धीरे धीरे फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, इसलिए 90 डिग्री एंगल तक हमको लेना है जब तक ये 11 तक फ्लूइड सक नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको बाद क्या करना है, फर्स्ट 2-3 ड्रॉप डिस्कार्ड करना है। क्यों डिस्कार्ड करना है, क्योंकि फर्स्ट हमने ब्लड लिया उसको बाद हमने फ्लूइड लिया, तो ब्लड ऑटोमेटिक बल्ब को अंदर आ गया, हमको डायल्यूट ब्लड चाहिए, इसीलिए ये जो स्टेम पोर्शन में फ्लूइड रह जाता है तो फ्लूइड को हमको डिस्कट करना है, फिर हमको डायल्यूट ब्लड लेना है। डायल्यूट ब्लड हम कैसे चार्ज करेंगे, ये जो देख रहा है कवर स्लिप को ऐसे रखना है, उसको बाद थोड़ा ड्रॉप जब ये टिप में आ जाएगा जस्ट यहाँ टच करना, वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 प्लेटफॉर्म है ये मिडिल वाला प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे है, जिसको डेप्थ 1/10 कैलकुलेशन पार्ट में आ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा टच करने से अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के बाद हमको माइक्रोस्कोप में देखना है। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमको क्या करना है, या WBC जब हम देखेंगे तो 10x में देखेंगे, तो 10x में देखने के लिए हमको ये WBC बॉक्स देखना है। तो 10x में देखने के लिए हमको क्या करना है, ये लाइट को चेंज करना है, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा वही हिसाब से हमको लाइट सोर्स चाहिए। उससे ज़्यादा अगर लाइट आ जाएगा तो हमका कभी वर्टिकल लाइन गायब हो जाएगा, कभी हॉरिजॉन्टल गायब हो जाएगा, इसलिए लाइट को मेंटेन करना है। तो लाइट को मेंटेन करने के लिए 10x में लिस्ट ओपन डायफ्राम और लोअर मोस्ट कंडेंसर, यही हो गया। और जब हम RBC करेंगे उसी टाइम हम 40x में देखेंगे, तो 40x में क्या करना है, ये लिस्ट नहीं मिडिल ओपन डायफ्राम और मिड पोजिशन में कंडेंसर रहेगा, यही होगा इसको सेटिंग, ठीक है। अगर ये ठीक से सेट नहीं होगा तो हमको सेल आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ये लाइन भी ठीक से हमको दिखाई नहीं देगा। तो सेल कैसे काउंट करना है, इसमें एक प्रोसेस फॉलो किया, ये प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। ये जो बॉक्स में है, बॉक्स को अंदर तो बॉक्स में काउंट ही करना है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पर आ जाता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कोई एक रूल्स फॉलो करना है, अपर लेफ्ट राइट लोअर, ये जो अपर बॉक्स में बॉर्डर में आएगा तो ये बॉक्स में आएगा, लेफ्ट बॉर्डर इसमें आएगा, ठीक है। यही रूल्स फॉलो करना है, कोई एक रूल्स फॉलो करना है, अपर लेफ्ट राइट लोअर। ओके, अभी क्लियर है। अभी हम देखेंगे ब्लड ग्रुप में हमको क्या क्या चाहिए। ब्लड ग्रुप में फर्स्ट हमको ग्लास स्लाइड चाहिए, ये है कैविटी स्लाइड, 2 कैविटी है, ठीक है। उसके बाद ये चाहिए प्लेन स्लाइड, ये वॉच ग्लास जो स्टॉक सॉल्यूशन के यूज़ होता है, और ये ड्रॉपर, उसको साथ चाहिए हमको ये एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, उसके बाद चाहिए ब्रेकिंग नीडल और ये 3 स्टिक, इसको साथ चाहिए हमको 10x10 HCl। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ये 10x10 HCl 2 or 3 ड्रॉप इसमें डालना है, क्योंकि इसमें स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। उसको बाद फिंगर प्रिक करना है, प्रिक करने के बाद उसमें ब्लड ऐड करना है, सफिशियंट ब्लड उसमें रखना चाहिए, जैसे हमारा आइडेंटिफाई हो जाए जो एग्लूटिनेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें सफिशियंट ब्लड नहीं होगा तो वो इतना डायल्यूट हो जाएगा जो एग्लूटिनेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए सफिशियंट ब्लड हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको फर्स्ट क्या करना है, एंटीसीरा ए फर्स्ट कैविटी में रखना है, एंटीसीरा बी सेकेंड कैविटी में रखना है, और एंटीसीरा डी इसमें रखना है प्लेन स्लाइड में। उसके बाद ड्रॉफर से
ये डाइल्यूट ब्लड, इसमें दो ड्रॉप, इसमें दो ड्रॉप और इसमें दो ड्रॉप रख के सेपरेट स्टिक से इसको मिक्स करना है, डाइल्यूट ब्लड और एंटी सीरा अच्छा से मिक्स करना है। ये जो स्टिक है, ये स्टिक भी एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव पार्टिकल है, जो थोड़ा भी टच हो जाएगा तो तुरंत रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस, और आ रहा है आइडेंटिफाई के लिए, क्योंकि आज जो वीडियो है सिर्फ आइडेंटिफाई के लिए ही है। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, ये जो एंटीसीरा ए है इसको ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, कैप भी ब्लू कलर का है, और एंटीसीरा बी जो है इसका सॉल्यूशन येलो कलर का है, कैप भी येलो कलर का है, लेकिन एंटीसीरा डी जो है इसका सॉल्यूशन कलरलेस है, इसका कैप रेड कलर का है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन और कैप सेम कलर का है, लेकिन जस्ट ये एंटीसीरा डीबा आर एच इसको कैप अलग कलर का है। अभी हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम के लिए हमको चाहिए फर्स्ट फिल्टर पेपर, और क्लॉटिंग टाइम के लिए चाहिए हमको कैपिलरी ट्यूब, उसको साथ चाहिए हमको स्टॉप वॉच, और ये लैंसेट, कॉटन, स्पिरिट, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या करना है, जब भी हम प्रिक कर रही हूँ उसी टाइम फर्स्ट ड्रॉप हमको टच करना है, फर्स्ट ट्रेस करना है, और तुरंत इसको स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी एवरी 15 सेकंड बाद बाद हमको ट्रेस करना है, तब तक जब तक ये सील नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये सील हो गया तो वही होगा हमारा फाइनल रिकॉर्ड ब्लीडिंग टाइम का, इसका वीडियो भी हम डाल दिया, उसको डिटेल सब देख लीजिए। उसको बता रहा है ये कैपिलरी एक्शन में हमको क्लॉटिंग टाइम करना है। तो क्लॉटिंग टाइम कैसे करना है, फर्स्ट प्रिक करने के बाद फर्स्ट ड्रॉप डिस्कट करना है, उसको बाद कैपिलरी एक्शन में हमको ब्लड फिलअप करना है। यहाँ थोड़ा गैप इसीलिए छोड़ना है, क्योंकि दो मिनट वेट करने के बाद हम कहाँ से ब्रेक करेंगे वही निशान रखने के लिए, अगर पूरा फिलअप हो जाएगा तो कभी कभी कन्फ्यूज़ भी हो जाता है। ठीक है, तो दो मिनट वेट करने के बाद फर्स्ट ब्लड जहाँ फिलअप हुआ वहाँ से ब्रेक करना है, तब तक जब तक वो फाइब्रिन थ्रेड नहीं दिखाई देगा। तो फर्स्ट दो मिनट के बाद हम ब्रेक स्टार्ट करेंगे, एवरी 30 सेकेंड बाद बाद हम ब्रेक करते जाएंगे। जब वो फाइब्रिन थ्रेड दिखाई दे रहा है वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया क्लॉटिंग। अभी हम लोग देखेंगे पीसीबी ईएसआर। पीसीबी ईएसआर के लिए हमको क्या करना है, पीसीबी के लिए हमको ये विंटरप्स ट्यूब चाहिए, ईएसआर के लिए हमको ओस्टरगिन पिपेट चाहिए। तो विंटरप्स ट्यूब के लिए स्टैंड चाहिए, और पिपेट के लिए ओस्टरगिन, पिपेट के लिए हमको चाहिए ये ओस्टरगिन स्टैंड। ठीक है, तो उसको बाद चाहिए ये सीरिंज, टूर्निकेट, भावेल, और ये पिपेट फिलअप करने के लिए पिपेट पम्प, और विंटरप्स ट्यूब फिलअप करने के लिए पाश्चुर पिपेट। ठीक है, तो इसको फिलअप कैसे करना है, फर्स्ट पाश्चुर पिपेट हमको फिलअप करना है ब्लड से, उसको बाद हमको ये बटन में टच करना है। बटन में टच करने के बाद धीरे धीरे ये जो रबर बल्ब है इसको प्रेशर देना है, और ये विंटर ये पाश्चुर पिपेट को विड्रॉ करना है। ठीक है, एकदम जीरो तक इसको सेट करना है, जीरो तक ब्लड डालना है, डालने के बाद इसको स्टैंड में रखना है। पीसीबी करना है तो इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और ये सर के लिए ये सर करना है तो इसको एक घंटा वेट करना है। इसमें यही एक एडवांटेज है कि इसमें पीसीबी ये सर दोनों ही होता है। तो पीसीबी कैसे होता है, पीसीबी का मार्क नीचे 0 से ऊपर 10 तक, ये पीसीबी का मार्क है, और ऊपर 0 नीचे 10 यह है ये सर का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसको हमको याद कैसे रखना है, पीसीबी मतलब पैक सेल वॉल्यूम, सिंपल। तो सेल कितना नीचे पैक्ड हुआ वो नीचे 0 से उसको काउंट करना है। ठीक है, और ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट कितना सेडिमेंट हुआ उसी का रेट हमको देखना है। ठीक है, तो ये ऊपर से काउंट करना है। ठीक है, तो ईएसआर के लिए 1 घंटा वेट करना है, पीसीबी के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है 1/2 घंटा, उसका डिटेल्स भी हम वीडियो में छोड़ दिया, उसको देख लीजिए। ठीक है, और इसको कैसे फिलअप करना है, इसको ये जो पिपेट पम्प है ये पिपेट पम्प को यहाँ ठीक से सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद पिपेट पम्प को धीरे धीरे इसको उठाना है, तो उठाने के बाद क्या होता है, भावेल से ये ब्लड पूरा अंदर फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ये 0 तक फिलअप करना है, उसके बाद एक साइड ब्लॉक करके तब स्टैंड में सेट करना है, नहीं तो वो ब्लड पूरा निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे डीएलसी के लिए। डीएलसी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट हमको चाहिए स्लाइड, इसमें ही हमको स्प्रेडर चूज़ करना है। तो स्प्रेडर हम चूज़ करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक ये इसको फाइन एज चेक कर लेना है, राफ एज राफ रहेगा तो स्प्रेडर ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हमको स्मूथ चाहिए। ठीक है, तो यही स्लाइड से एक अच्छा से
चेक करके हमको स्प्रेडर मार्क करना है, ठीक है। अरे स्लाइड चाहिए, उसको साथ चाहिए हमको लिस्टमैन स्टेन, उसको साथ चाहिए हमको डिस्टिल वाटर, और ये तीन कॉमन चीज़ है, कॉटन, स्पिरिट, लैंसेट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट प्रिक करना है, उसको बाद ड्रॉप रखना है, ड्रॉप रखने के बाद इसमें स्मेयर करना है। स्मेयर कैसे करना है, ये स्प्रेडर हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद ड्रॉप रखने के बाद हम जस्ट फर्स्ट ये स्प्रेडर को सामने रख रही हूँ, ठीक है। रखने के बाद पुल कर रही हूँ, जो पूरा ब्लड को टच हो रहा है, पूरा स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड होना चाहिए, इस स्प्रेडर में यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड होना चाहिए। 45 डिग्री एंगल में इसको स्मूथली हम पुश करेंगे, ठीक है। हमको 2/3 पोर्शन कवर करना है और टंग सेप लेना है, यही होगा आइडियल स्लाइड, ठीक है। उसको बाद हमने स्टेनिंग रॉड में रख के इसमें जितना तक स्मेयर हुआ उसके ऊपर फुल कवर करके हमने लिस्मेंट डाल देंगे। लिस्मेंट डालने के बाद 2 मिनट हम वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद हम डिस्टिल वाटर डालेंगे वो लिस्मेंट स्टेन का ऊपर, गिरा के नहीं। 2 मिनट के बाद हम जब डिस्टिल वाटर डालेंगे उसी टाइम हमको ब्लोअर से अच्छा से लिस्मेंट स्टेन और डिस्टिल वाटर मिक्स करना है। अगर वो मिक्सिंग ठीक से नहीं होगा तो जगह जगह पर लिस्मेंट स्टेन का कलर पकड़ लेगा, जो हमको DLC आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 10 मिनट को बाद, फर्स्ट 2 मिनट वेट किया, उसके बाद 8 मिनट वेट किया, 10 मिनट्स के बाद हमको पानी से, सिंपल पानी से उसको धुलना है, बैक साइड अच्छा से सफ़ा करना है, फिर माइक्रोस्कोप में देखना है ऑयल इमोशन में। ऑयल इमोशन मतलब 100x में हमको देखना है, सीडर वुड ऑयल डाल के इसको देखना है, ठीक है। अभी जब ऑयल इमोशन हम यूज़ करेंगे, वो जब ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करेंगे उसी टाइम हमको डायफ्राम और कंडेंसर फिर चेंज करना है। डायफ्राम फुल्ली ओपन रहेगा, कंडेंसर अपर मोस्ट में रहेगा, हमको पूरा ज़्यादा लाइट चाहिए, ठीक है। इतना टाइम हमने हिमाटोलॉजी पार्ट देखाया, अभी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। फर्स्ट ये आ रहा है स्टेथोग्राफ। ये स्टेथोग्राफ में क्या क्या है, ये जो है मेरिस्टेम्बर, ये है मेम्ब्रेन, ये है स्टाइलस, ये है पेन, उसको साथ ये स्टैंड है, ये मेरिस्टेम्बर को साथ कनेक्टेड है कनेक्टेड ट्यूब, कनेक्टेड ट्यूब के साथ कनेक्ट है ये कॉरोगेटेड ट्यूब, कॉरोगेटेड ट्यूब के साथ है ये चेन जो हमारा चेस्ट में टाई करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसको साथ ये आ रहा है टाइमिंग ग्राफ। सब्जेक्ट जो जो रेस्पॉन्स करेगा, ब्रीथिंग होल्ड करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करेगा, कुछ भी करेगा, उसी का रिकॉर्ड पूरा इसी में आ जाता है। यही होता है स्टेथोग्राफी, स्टेथोग्राफी टेक्निक है, स्टेथोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है और स्टेथोग्राम ये रिकॉर्ड है। ये तीन टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखना, क्या बोला, स्टेथोग्राफी टेक्निक है, स्टेथोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है और स्टेथोग्राम रिकॉर्ड है, ओके फ्रेंड्स। हम लोग देख लिया स्टेथोग्राफी, इसको बाद आ रहा है ECG। ECG में भी तीन टर्म यूज होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक व प्रोसेस है। उसको साथ दिया हुआ है ये कॉर्ड, ये कॉर्ड मशीन में सेट करना है और ये लिम्ब लीड्स के लिए है, ये चेस्ट लीड्स के लिए है, ठीक है। ये है चेस्ट लीड्स और ये है लिम्ब लीड्स, इसमें टोटल दिया हुआ है, इसका डिटेल्स में हम नहीं जा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका हम अलग से एक वीडियो दे देंगे। फ्रेंड्स ये है वाइटलोग्राफ व स्टूडेंट स्पाइरोमीटर, इसमें है ये कॉरोगेटेड ट्यूब, ये है माउथ पीस, ये आउटर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, पुली चेन और काउंटर बैलेंस। इससे अगर डिटेल सबको चाहिए तो मेरा जो इसका वीडियो जो हमने डाला है उसको एक बार देख लीजिए। सब लास्ट में आ रहा है ये ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर का बारे में दोबारा कुछ बोलने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिटेल्स वीडियो हम डाल चुका है, उसको देख लीजिए। ये है स्टेथोस्कोप, ये है स्पिगोमैनोमीटर, इसका डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी बता चुका। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो इतना तक ही है, हम इंस्ट्रूमेंट को साथ साथ थोड़ा ब्रीफली प्रोसेस भी बता दिया, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ये ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट करना है तो कमेंट भी कर देना, क्योंकि उसमें मेरा गलती क्या होता है, क्या मिस्टेक होता है वो मेरा समझ में भी आ जाता है। और लाइक सब्सक्राइब वो तो आपका मर्जी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।